Hello students, myself Palak. Today I'm going to start third chapter of your aptitude book, which is in your July course. So basically there are two chapters in your July course, which is third and fourth. Third is classification and fourth is alphabet test. So we will cover all the chapters of July in this video. Okay, so let's start with classification. So take out page number 14. So that is classification in objects. Okay, so what is the meaning of classification, students? Classification means grouping various objects based on their common properties. ऑब्जेक्ट्स को उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिवाइड करना, उसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे हमें एक ऑर्गन चुनना है जो कि पांच ऐसे रहेंगे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी और एक ऐसा होगा जिसमें डिफरेंट होगा. सो हमें उस एक को ऑर्गन को आउट करना है उसे क्रॉस करके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट इज बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्फलेट, लेटर एंड पेन. सो यहाँ पे पेन जो है, पेन इज ऑड बिकॉज ऑल ऑफ एक्सेप्ट पेन इज यूज्ड टू राइट एंड बाकी सारे ही रीडिंग आइटम्स हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू. पेन, पेंसिल, चॉक, मार्कर, स्केच पेन एंड इंक पॉट. सो इंक पॉट इज ऑड वन बिकॉज ऑल द अदर ऑप्शंस आर यूज्ड टू राइट. Okay, and ink pot is the odd one. Now, cup, saucer, spoon, fork, screwdriver and bowl. So, screwdriver is the only one option which is not a kitchen appliance. So, it is the odd one. Now, eagle, sparrow, donkey, parrot, crow and swan. So, yahan pe donkey jo hai, donkey is an example of animals. Baaki sare hi examples hai birds ke. So donkey is the odd one. Now cabbage, brinjal, pineapple, potato, cauliflower and tomato. So pineapple is the fruit and all the others are vegetables. Okay, now six. Skirt, shirt, bermudas, knife, trousers and vest. Knife ke alawa jitne bhi hain, all are the examples of clothes except knife. So knife is the odd one. Now TV, computer, banana, iPod, stereo and calculator. All are the devices, okay? And banana is only a fruit. So banana is odd one. Now car, jeep, truck, motorcycle, van and bus. Here motorcycle will be the odd one because it's a two-wheeler, okay? And all the others are four-wheelers or more than four-wheelers, okay? So now 9. CD, floppy, tube light, keyboard, pen drive and mouse. इसमें ट्यूब लाइट जो है, ट्यूब लाइट इज द ऑड वन बिकॉज बाकी सारे ही एसोसिएट होते हैं कंप्यूटर से. ओनली ट्यूब लाइट इज द ऑड वन. नाउ 10. फैन, शूज, कूलर, ट्यूब लाइट, टीवी एंड बल्ब. बाकी सारे ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं जो कि होम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जो घर में रहते हैं. नाउ शूज जो है, शूज इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. नाउ स्टूडेंट्स टेक आउट पेज नंबर 15, क्लासिफिकेशन इन लेटर्स. सो हेयर यू हैव टू इनसर्कल द ऑड वन आउट. ओके, ऑड वन को हमें सर्कल करके आउट करना है. सो फर्स्ट इज ए बी पी क्यू एल एम एंड एक्स एल एम एक्स वाई एंड एन एम. सो हेयर एन एम इज द ऑड वन बिकॉज इट इज इन रिवर्स फॉर्म. रिवर्स फॉर्म में है, बाकी सारे नॉर्मल फॉर्म में है. जैसे ए के बाद बी, बी के बाद क्यू, एल के बाद एम, एक्स के बाद वाई, बट एन एम इज द इन रिवर्स. एम के बाद एन नहीं है, एन के बाद एम है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू. ए सी डी ई पी आर एल एन एंड एक्स जेड. सो हेयर डी ई विल बी द odd option because all the others letters is skip between the letter. Okay, जितने भी letters दिए गए हैं उसमें एक letter skip है. Okay, जैसे A के बाद B skip है, C है, P के बाद Q skip है, R है, लेकिन D के बाद तो कुछ skip नहीं है. D के बाद direct E है. So D and E is the right answer. Sorry, is the odd one. Now come to question number 3. बी ए क्यू पी डी सी एल एम एंड एस आर. सो यहाँ पे सारे ही जो हैं एल एम के अलावा रिवर्स फॉर्म में है.
ए के बाद बी नहीं है, बी के बाद ए है, क्यू के बाद पी है, डी के बाद सी है, एस के बाद आर है, बट एल के बाद एम है, जो कि रेगुलर फॉर्म है, विच इज ऑड. ओके नाउ फोर, ए ई पी एस यू एक्स टी डब्ल्यू जी जे एंड के एन. ओके सो हेयर ए ई में जो है बीच में थ्री लेटर्स जो हैं वो स्किप किए गए हैं, बाकी जितने भी दिए गए हैं उसमें दो दो लेटर्स स्किप किए गए हैं. सो ए बी सी डी, ओके थ्री लेटर्स आर स्किप, सो दैट्स व्हाई ए ई इज द ऑड वन. नाउ फाइव, ए ए बी पी पी क्यू आर आर एस टी टी यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्स वाई. सो हियर बी डब्ल्यू डब्ल्यू इज द ऑड वन बिकॉज इन ऑल अदर्स फर्स्ट लेटर इज रिपीटेड, जितने भी अदर्स हैं सब में फर्स्ट लेटर रिपीट किया गया है एक्सेप्ट वी डब्ल्यू डब्ल्यू. ओके नाउ सिक्स, ए बी सी बी सी डी सी डी एफ डी ई एफ ई एफ जी एफ जी एच. ओके सो यहाँ पे सी डी एफ जो है इट इज ऑड वन बिकॉज अदर लेटर्स आर इन सीक्वेंस, इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं सी डी एफ के अलावा सारे ही क्या हैं सीक्वेंस में हैं, लाइक ए के बाद बी, बी के बाद सी, देन बी सी डी, बट सी डी एफ ई इज मिसिंग, राइट. सो सी डी एफ इज द ऑड वन. नाउ सेवन, बी बी सी डी डी ई P P Q L L L T T U and X X Y. So यहाँ पे L L L is the odd one because one letter is written thrice. यहाँ पे एक ही letter को three times लिखा गया, right? So यहाँ पे L L L is the incorrect, is the odd one. Okay? Now eight, P Q R L M N X Y Z D E F A C B and T U V. यहाँ पे भी ए सी बी इज द ऑड वन बिकॉज अदर लेटर्स आर कंसेक्यूटिव. यहाँ पे ए सी बी जो हैं यही ऑड वन है, इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं सब कंसेक्यूटिव फॉर्म में, यानी एक के बाद एक जैसे नॉर्मली आने चाहिए वैसे ही आ रहे हैं, जैसे पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, लेकिन ए के बाद बी यहाँ पे मिसिंग है, सी है देन बी है. सो ए सी बी कंसेक्यूटिव फॉर्म में नहीं है. So A C B जो है it is the odd one. Now 9, A A B B P P Q Q R R S S X X Y Y C C D D L L N N. यहाँ पे भी letters दो बार लिखे गए हैं, pairs में letters लिखे गए हैं एक group में, लेकिन letters जो हैं वो consecutive form में है, means A के बाद B आता है, P के बाद Q आता है, R के बाद S आता है. यहाँ पे L L N N होगा, एल एल एन एन भी दोनों दो बार रिपीटेड है, बट इसके बाद कंसेक्यूटिव वे में नहीं है, एल के बाद एम मिसिंग है और एन है. सो एल एन इज एल एल एन एन इज द ऑड वन. ओके नाउ 10, ए बी सी सी बी ए पी क्यू आर आर क्यू पी, ओके एल एम एन एम एल एन डी ई एफ एफ ई डी एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई जेड वाई एक्स आर एस टी टी एस आर. इसमें एल एम एन और एम एल एन जो है इट इज द ऑड वन क्योंकि यहाँ पे रिवर्स फॉर्म में लिखा गया है सारे ऑप्शंस में एक्सेप्ट एल एम एन और एम एल एन को. एम मिडिल का यहाँ पे पहले आ गया, देन फर्स्ट लेटर मिडिल में आ गया और एन जो है वो थर्ड लेटर थर्डी में रह गया, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसमें मिडिल लेटर सेम मीन्स रिवर्स कर दिया गया, ए बी सी देन सी बी ए, पी क्यू आर सो आर क्यू पी, डी ई एफ एफ ई डी. ओके सो ऐसे, लेकिन एल एम एन एम एल एन इज नॉट इन कंसेक्यूटिव रिवर्स. ओके ये कंसेक्यूटिव रिवर्स में. नाउ टेक आउट पेज नंबर 16, दैट इज क्लासिफिकेशन नंबर्स. इसमें हमें नंबर्स को क्लासिफाई करना है उनके सिमिलैरिटीज और उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग. ओके सो यहाँ पे भी हमें इनसर्कल करना है ऑड वन को. सो इन क्वेश्चन नंबर 1, 708 इज द ऑड वन बिकॉज 101, 202, 404, 909. ये सारे जो नंबर्स हैं इनके 100 डिजिट्स और वंस प्लेस वाले डिजिट्स जो हैं वो सेम हैं. नाउ 2, 344 will be the odd one in question number 2
उसके अलावा जितने भी नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे सबके टेंस और हंड्रेड प्लेस वाले डिजिट्स सेम है. नाउ थर्ड, 542 इज द ऑड वन बिकॉज इसके अलावा जितने भी नंबर्स दिए गए हैं सबको अगर हम पढ़ेंगे सो सब बैकवर्ड काउंटिंग में आते हैं और कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब लगातार आने वाले नंबर्स जो कि बैकवर्ड काउंटिंग में आते हैं, जैसे 9876544328 76. लेकिन 542 जो है वो अनजम्बल्ड फॉर्म में है, सॉरी जम्बल्ड फॉर्म में है, सो इसलिए इसे 542 इज ऑड वन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे 556 इज द ऑड वन क्योंकि बाकी जितने भी नंबर्स हैं सबके जो तीनों डिजिट्स जो हैं, तीनों तीनों प्लेस के जो डिजिट्स हैं वो सेम हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे 122 ऑड वन है क्योंकि टेंस और हंड्रेड प्लेस वाले डिजिट्स सेम हैं. नाउ 6 में 404 इज द ऑड वन स्टूडेंट इसलिए क्योंकि बाकी जितने भी नंबर्स हैं सबके 100 प्लेस और 10 वंस प्लेस वाले डिजिट्स को अगर हम प्लस करते हैं तो सबका सम जो है वो 10 ही आएगा, जैसे 9 प्लस 1 10, 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 4 10, 7 प्लस 3 10, 5 प्लस 5 10. वैसे ही 404 को अगर 4 प्लस 4 अगर हम करते हैं सो 4 प्लस 4 इज 8. सो 404 इज द ऑड वन. नाउ 7 में स्टूडेंट 7006 इज द ऑड वन क्योंकि 1000 प्लेस और वंस प्लेस वाले डिजिट्स बाकी जितने भी नंबर्स हैं सब में सेम एक्सेप्ट 7006, तो 7006 विल बी द ऑड वन. नाउ 8 में स्टूडेंट 8899 जो नंबर है इट इज द ऑड वन क्योंकि बाकी जितने भी नंबर्स हैं एक सब पेयर्स में है, लाइक 4433554 ये भी पेयर में है, बट बाकी जितने नंबर जो हैं वो बैकवर्ड फॉर्म में है और ये रेगुलर फॉर्म में है, जैसे 4354657 6. बट यहाँ पे 8 के बाद 9 है, मीन्स ये जो है इट इज द ऑड वन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. इसमें कंसेक्यूटिव फॉर्म में सारे नंबर्स हैं, लाइक 1234456 7, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9. बस 3450 यानी 3450 ही एक ऐसा नंबर है जो कि जम्बल्ड फॉर्म में है, यानी कि इसका कोई कंसेक्यूटिव फॉर्म नहीं है, मतलब लगातार आने वाले नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं इसमें, सो इट इज द ऑड वन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. स्टूडेंट्स इसमें अगर आप देखोगे सो 3334 जो है ये इसमें ऑड वन है, इसलिए बिकॉज ऑल अदर नंबर्स इन वंस डिजिट इज लेस देन द अदर डिजिट्स. ओके, वंस डिजिट पे जितने भी नंबर्स हैं वो अदर नंबर्स के सब जो हैं वो पहले वाले नंबर्स से छोटे हैं एक्सेप्ट दिस, क्योंकि वंस डिजिट पे पहले वाले जितने नंबर्स हैं लाइक 3334 जो है 43 से बड़ा है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसे इनसर्कल किया है, क्योंकि 2221 2 के बाद 1 है, सो वंस प्लेस पे 1 है जो 2 से छोटा है, यहाँ पे 4 से छोटा 3 है, 5 से छोटा 4 है, 9 से छोटा 8 है, 7 से छोटा 6 है, बट यहाँ पे 3 से बड़ा है 4, सो दैट इज वाई इट इज द ऑड वन. सो 3334 इज द ऑड नंबर.